So a very good morning, students. This is CBSE board question. Find the differential equation for all the straight lines which are at a unit distance from the origin. तो देखिए, मैंने आपके लिए पिक्चर बना के रखा हुआ है. ये हमारी x एक्सिस है और ये हमारी y एक्सिस है. ओके, एंड दिस इज माई माइनस x एंड दिस इज माई माइनस ऑफ y. और ये इस हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ये हमारा 0.0 ओरिजिन है. उन्होंने क्या बोला है, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी पूरी इक्वेशन आपकी कैसे फॉर्म में होनी चाहिए, dy by dx फॉर ऑल द स्ट्रेट लाइंस. तो देखिए, मैंने एक ब्लैक कलर से स्ट्रेट लाइन बना के रखी है और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या उतनी होती है, y इक्वल्स टू mx प्लस c. आप कैसे भी बना सकते हैं ऐसे ऐसे, बस उनका कंडीशन ये है कि विच आर एट अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. तो इस ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, यूनिट डिस्टेंस, मतलब वन यूनिट पे होनी चाहिए. आपको हर वो लाइन बनानी है जो यूनिट डिस्टेंस पे हो, कहाँ से, ओरिजिन से. ठीक है, तो मैंने एक बहुत सिंप्लीफाई ले ली है लाइन के. लेट्स से ये वाली लाइन है, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, वन यूनिट, और इस लाइन की इक्वेशन ये होगी. तो मुझे इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है. ठीक है, सो लेट्स सी. अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. दिस इज द जनरलाइज इक्वेशन ऑफ द लाइन. और मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, y माइनस एम एक्स माइनस सी इज इक्वल्स टू जीरो. अब आप देखिए यहाँ पे कि ये जो लाइन है, आप लोगों ने क्लास 11th में टॉपिक पढ़ के रखा होगा कि डिस्टेंस वाला जब हम पढ़ते हैं कि d इज इक्वल्स टू ये मॉड्यूलस है, ताकि नेगेटिव भी आंसर आए तो हम उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दें. ओके, ऊपर होता था हमारे पास a x1 प्लस बी वाई वन प्लस सी फॉर्मूले में, और नीचे होता था, सॉरी ये अंडर रूट नहीं होता है, ये वाला नहीं, अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. मैं फिर से एक और बार लिख देती हूँ, d इज इक्वल्स टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, ये मॉड्यूलस, ताकि हम नेगेटिव को पॉजिटिव कर सके, दैट्स इट, अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब ये ए और बी कौन सी लाइन को डिनोट करते हैं, अब देखिए ये वाली जो हमारी खुद की लाइन है, ये जो लाइन है वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इसमें ए और बी क्या चीज़ है, ए इज इक्वल्स टू, हमने यहाँ से हम देखते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा सही है. तो ए एक्स का कोफिशियंट है और बी वाई का कोफिशियंट है. तो अब यहाँ पे देखिए, ए जो है इसको अगर वापस से रीअरेंज कर दूँ तो माइनस एम एक्स प्लस वाई माइनस सी इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा. तो इसमें एक्स के साथ जो है वो है ए, और जो वाई के साथ है वो है हमारा बी. इसका मतलब ए कितना हो गया माइनस एम, और बी कितना हो गया हमारे पास प्लस वन, ठीक है, और सी तो है ही. तो ये हमारे पास ए आया इस इक्वेशन में और ये है बी. ओके, अब एक्स वन वाई वन क्या है, एक्स वन वाई वन उस वो पॉइंट है जिस पॉइंट से हमारी लाइन खींची गई, जैसे ये 0.0 से इतनी डिस्टेंस पे, तो ये जो 0.0 है वही हमारा एक्स वन वाई वन है. तो यहाँ पे एक्स वन भी जीरो है और वाई वन भी जीरो है. इस पॉइंट से इस लाइन का जो डिस्टेंस है वो डी, जिसको हम यहाँ पे डी लिख रहे हैं, ठीक है. तो हमारे यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, वन यूनिट, यानी डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, वन यूनिट. ओके, ये वन यूनिट, ये 0.0, 0.0 क्या हो गया हमारा एक्स वन और वाई वन, और ये यहाँ से हमने ये वाली लाइन की इक्वेशन निकाली. अब यहाँ पे देखिए, हम सारी वैल्यूज पुट कर देते, ये हो गया मेरे पास वन, ए की वैल्यू मैं रख देती हूँ विच इज इक्वल्स टू माइनस एम इंटू एक्स वन कितना था जीरो, प्लस बी की वैल्यू वन इंटू वाई वन भी जीरो, प्लस सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो ए स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एम स्क्वायर, ठीक है. अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते, तो हमारा अच्छा मॉड लगा दीजिए, दैट इज सी अपॉन अंडर रूट ऑफ वन प्लस एम स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू वन. तो यहाँ पे अगर हम करेंगे तो सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वन प्लस एम स्क्वायर, ठीक है. ये आ गई हमारी सी की वैल्यू, ये हमारे पास मॉड है यहाँ पे, ये तो सी इज इक्वल्स टू वन प्लस एम स्क्वायर. ओके, अब अगर यहाँ पे आप इसको हटाएंगे, अगर सी दैट इज दिस वन इज सी, सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वन प्लस एम स्क्वायर. अब यहाँ पे आप अगर मॉड को हटाते तो जनरली हम लोग प्लस माइनस लगा देते हैं, ठीक है. तो सी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ वन प्लस एम स्क्वायर, ठीक है. अब यहाँ पे एक और काम करना है हमें,
ये हमारे पास सी की इक्वेशन आ गई। बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन में करना क्या होता है कि जो हमारे पास एम एक्स है, जो वाई है, हमारी पूरी इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स में होनी चाहिए, एक भी कॉन्स्टेंट नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास दो कॉन्स्टेंट है, एक कॉन्स्टेंट है एम और दूसरा कॉन्स्टेंट है हमारे पास सी, तो इन दोनों को हटाना है। अब देखिए इस सी को तो मैंने कन्वर्ट कर लिया लेकिन एम अभी भी बाकी है, ठीक है। अब ये जो एम है इसको भी हटाना पड़ेगा, तो मैं आपको एक इक्वेशन वापस से लिख के बता देती हूँ। दैट इज हमारी जो इक्वेशन है ये वाली, y माइनस एम एक्स माइनस सी, सी की वैल्यू कितनी है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। ओके, ये आ गई हमारी c की वैल्यू। दिस इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई माइनस एम एक्स माइनस सी। अब वो प्लस माइनस है तो एक ही बात है, यहाँ पे प्लस माइनस ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, क्योंकि नेगेटिव है तो प्लस माइनस माइनस प्लस, दैट इज ओके। अब मुझे इस पूरी इक्वेशन में से m को हटाना है, तो मैं थोड़ा इन सबको उधर लेके चली जाती हूँ, दैट इज एम एक्स। ये प्लस माइनस ही रहेगा क्योंकि उधर जाएगा तो प्लस का माइनस माइनस प्लस, दैट इज 1 प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन ही पूछिए तो इस इक्वेशन, अब मेरे पास एक ही वेरिएबल बचा है तो अब मैं डिफरेंशिएट कर सकती हूँ, दैट इज m, यहाँ पे बचेगा m प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। और अच्छा, ये जीरो हो जाएगा हमारे पास क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, तो हमारे पास आंसर क्या बचा है, dy by dx is equals to m। ये हमारी dy m की वैल्यू आ गई। इसका मतलब जहाँ जहाँ मेरा m है उसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, dy by dx। तो अब इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 3 नाम देते हैं, मैं इसको वापस से रीराइट कर रही हूँ, सो दैट ये वाली इक्वेशन, इसको नाम नहीं देते 3, इसको नाम दे देते हैं ओके। और ये वापस से रीराइट करके हम सॉल्व करते हैं ओके। y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन थी। अब इसमें m की वैल्यू मैंने क्या बताई, dy by dx इज इक्वल्स टू m आया था हमारे पास, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। m की जगह आप रख दीजिए dy by dx into x प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy by dx होल स्क्वायर। अब देखिए c भी हट गया, m भी हट गया, सब कुछ हट गया। अब अगर आपको और फर्दर सॉल्व करना है तो यू कैन डू लाइक दिस, 1 y माइनस dy by dx into x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy by dx होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आप दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेंगे तो y माइनस dy by dx into x होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब देखिए अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो प्लस का तो प्लस ही होगा, माइनस का भी प्लस हो जाएगा और ये खुल जाएगा यहाँ पे 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। देखिए पूरी इक्वेशन dy by dx के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई और एक भी कॉन्स्टेंट नहीं बचा, तो ये होती है डिफरेंशियल इक्वेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।